guys, welcome to my channel Aadhya Life. And in today's video, I will be telling, also I will be covering one of the most important topic of class 2 and 3, that is addition. So in today's video, I will be covering, mainly this is introduction video. So I will be telling some of the main important topics of addition today. So don't forget to like, comment and subscribe my video for more such updates. So now let's not waste any time and let's get started. So yeah. सबसे पहले हमारा addition का हम मतलब समझते हैं. Addition. Addition होता क्या है? Addition होता है जब हम, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों एक क्लासरूम, जैसे जो भी वीडियो देख रहा है, हम एक दोनों एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है. हमारी टीचर ने मुझे सपोज 1 पेंसिल, मुझे पेंसिल बनानी नहीं आती, तो मैंने ऐसी बना दी. पेंसिल दी है मुझे 1 और आपको उन्होंने पेंसिल दी है 2, ठीक है. मुझे 1 दी है, आपको 2 दी है. ये 1 है, ये 2 है. अब हमारी टीचर्स ने बोला है कि आप मुझे दोनों को जॉइन करके बताओ कितनी पेंसिल्स बनी. तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों को जॉइन करोगे. जॉइन ऐसे करते हैं ना, जैसे वन हैंड ये, वन हैंड ये. मुझे इन दोनों को जॉइन करना, तो मैं ऐसे करूंगी. तो इस पेंसिल को और इन दोनों पेंसिल्स को भी हम जॉइन करेंगे. सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आता है इसमें, एक एडिशन का साइन होता है. अब साइन क्या होता है? साइन होता है जिससे हम उसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है. एक मेथड होता है, एक साइन होता है जिससे हम दो चीजों को जॉइन कर सकते हैं. तो वो साइन क्या होता है? ऐसे, ऐसे साइन होता है. इसको हम बोलते हैं प्लस. क्या बोलते हैं? प्लस. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो इसमें मैं मेन मेन टॉपिक सारे कवर करती रहूंगी. सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन क्या होता है. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? मैंने एग्जांपल दिया था, हम दोनों क्लासरूम में बैठे हैं, मेरे पास 1 पेंसिल है, आपके पास 2 पेंसिल है, और हमारे टीचर ने बोला है कि मुझे उन 2 पेंसिल्स को ज्वाइन करके बताओ, ज्वाइन करके बताओ. अब हम उसे ज्वाइन कैसे करेंगे? हमें आता नहीं है. तो एडिशन में एक मेथड होता है, जो होता है ये प्लस. ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है. जब भी हमें दो चीजों को ज्वाइन करना होता है ना, उसके बीच में हम ये लगा देते हैं. इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, दो चीजों को ज्वाइन करना. अब ज्वाइन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है. ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं. एक तो हम फिंगर्स पे कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे लिख के कर सकते हैं. बट फिंगर्स पे मुझे ज्यादा आसान लगता है. और अगर आपको एक ड्रॉइंग मेथड भी होता है, तो मैं वो भी सिखाऊंगी. सबसे पहले आपको ड्रॉइंग मेथड सिखा देती हूँ, ठीक है. सो अब हमने इसे ज्वाइन करना है, ठीक है. अब हम ड्रॉ करके इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है. ये कितने बने हैं? ये है 1. मैंने यहाँ पे 1 स्टिक बना दी या पेंसिल ही बना, ठीक है. आप कंफ्यूज ना हो, पेंसिल बना, ठीक है. ये कितने हैं? 2. 2 और पेंसिल बना दी, 1. ये 1 पेंसिल मुझे दी थी, 1 बना दी, 2 पेंसिल आपको दी थी. अभी कितनी हो गई? काउंट करो, 1, 2, 3 पेंसिल्स हो गई. आंसर हो गया हमारा, हमने ज्वाइन कर लिया. एक तो ये मेथड होता है,
एक हमारा फिंगर्स वाला मेथड होता है। अब हमारा फिंगर्स वाला क्या मेथड होता है, सबसे पहले हमें कितने दिए हुए हैं, वन, वन फिंगर पे निकाला, फिर कितने दिए हुए हैं, टू, टू और फिंगर्स निकाल दी, वन टू, वन तो निकली हुई थी, वन तो मेरी पेंसिल थी, निकाल ली मैंने, टू और बोली थी हमें पेंसिल्स, वन टू, कितने बन गए, वन टू थ्री, सेम आंसर। चाय आप ये करो, चाय आप ये करो, दोनों आंसर सेम आएंगे क्योंकि दोनों मेथड ही ठीक है। आप चाहे ये करो चाहे ये करो, बट आप आपके हिसाब से जो मेथड ठीक लगता है आपको, आप वो कर सकते हो। अब गाइस, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 5 + 2, ठीक है। अब हमें टीचर ने बोले इसे भी ज्वाइन करो। हम कैसे ज्वाइन करेंगे, हमारे पास दो मेथड्स है, हम या तो ड्रॉ करके ज्वाइन कर सकते हैं, हम या फिंगर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नंबर इज 5, तो हम सबसे पहले दोनों मेथड से बता रही हूँ मैं, ड्रॉ करके करते हैं। आप कोई भी चीज बना सकते हो, मैं बॉल बना रही हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कुछ भी बॉल बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 5 बना दी, यहाँ पे 2 है, 2 और बनानी है, 1 2, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या है हमारा, 7। ये क्या होता है, ये मैंने बताया था ना, साइन होता है जिससे हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम करते हैं फिंगर से, फिंगर से कैसे कर सकते हैं, 5 5 फिंगर्स, 5 बोला है, 5 निकाल ली, उसके बाद 2 और बोला, 1 2, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आया, 7। दोनों में सेम आया, सो आप ये दोनों मेथड ट्राई कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन एक अनदर वीडियो में भी लेके आऊंगा। अब किड्स, हमने ये सीख लिया है ज्वाइन करना, तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने मेरी पहले की स्टडी वीडियो, मैंने उसमें बहुत नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे, तो उसमें मैंने प्लेस वैल्यू सिखाई थी, 100s, 10s, 1s। अगर नहीं देखी तो आप ये इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद वो देखिए, सो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हमने जैसे हमने देखा था, हमने किया 5 + 2, या हमने किया 3 + 4, ये 1 1 डिजिट, 1 1 डिजिट है ना, 1 1 है 1 1 1 1 1 1 है ना। अब हम करेंगे 2 डिजिट, ठीक है। अब आप सोचोगे 2 डिजिट तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना, 2 डिजिट मुश्किल नहीं होगी क्योंकि एक बार ज्वाइन करना आ जाए वो सब हो जाएगा। अब मेरे पास नंबर है 25 + 42, ठीक है, मेरे पास ये नंबर है। अब टीचर ने हमें बोले ज्वाइन करो, मेनली सेकेंड और थर्ड क्लास में 2 डिजिट वाले आ जाते हैं। सो हम क्या करेंगे, हमें एक टेबल बनानी होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 10s 1s, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है 2 डिजिट की तो वो होती है 10s और 1s, और अगर 3 डिजिट की होती है तो वो 100s, 10s, 1s हो जाता है, ठीक है। 10s, 1s लिखा, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज 10s, 1s लिखा, ठीक है। एक टेबल बनाई, ऐसे टेबल बनाई, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 25, बस कुछ नहीं करना, टेबल के अंदर लिख देना 25। नेक्स्ट नंबर क्या है, 42, उसके नीचे लिख देना नेक्स्ट नंबर 42 और साइड में प्लस कर देना।
और कुछ नहीं करना। अब हम पहले ये वाले सॉल्व करेंगे, फिर हम ये वाला सॉल्व करेंगे। पहले 5 और 2 करेंगे प्लस, फिर 2 और 4 करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 2, अब मैंने क्या सिखाया था, अब आप बड़े हो गए तो आप मेनली आप फिंगर्स पे करो, ठीक है। 5 पहला है 5, 2 और फिंगर्स निकालनी है। 6 7 7 आया। नेक्स्ट 2 4 और निकालनी है। 1 2 3 4 6 आंसर इज 67। आया समझ? ये होता है हमारा 2 डिजिट का प्लस। इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट अगर आ गया तो हम ये कर लेंगे आराम से। अब एक अनदर एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 13 प्लस 43 क्या करना होता है? पहला स्टेप हमें पीओ लिखना होता है, टेबल बनानी होती है। पहला हम ये लिखेंगे, ये मत करना कभी, पहले ये लिख दो फिर उसके बाद ये लिख दो। सबसे पहला नंबर 13 है तो हम 13 लिखेंगे। 1 या 3 या प्लस या लिखा, प्लस जरूर लगाना है। अगर प्लस नहीं लगाओगे मैं आपको कैसे पता चलेगा प्लस है या माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज 43, आंसर लिखिए। अब 3 नंबर है, 3 फिंगर्स निकाली, 3 और फिंगर्स निकाली है। 1 2 3 आंसर इज 6। ओके 1 फिंगर निकाली, 4 और निकालनी है। 1 2 3 4 आंसर इज 5। क्या हुआ हमारा आंसर? 56। आया समझ? तो अगर आप 2 डिजिट वाले आने चाहिए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्लास में 2 डिजिट वाले एडिशन सम्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। सो गाइस, अब हमने देखे 2 एग्जांपल 2 डिजिट वाले करने के लिए। अब हमारे पास ये पूरा सारा इतना सारा प्लस करने के लिए। अब आप बोलो कि इतना सारा कैसे प्लस होगा? इतना सारा बहुत आसान होगा प्लस करना। अब हमने टेबल बनाई थी, टेबल बनाती ये तरीके, पीओ लिखा था सबसे पहले, टेबल बनाई। पहला नंबर क्या है? 22, प्लस लिखा साइड में। दूसरा नंबर क्या है? 23। तीसरा नंबर क्या है? 12। बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ 2 नंबर है, बट एक और नंबर आ गया तो हम नीचे लिख देंगे उसके। अब क्या हो गया? अब आपको 3 डिजिट वाला नहीं प्लस करना आता, मैं सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट वाले नंबर प्लस करो, 2 और 3। 2 प्लस 3 कितना होता है? 2 1 2 3 कितना होता है? 5। अब इन दोनों का जो आंसर आया ना, इन दोनों का आंसर क्या आया है? 5 को 2 से प्लस कर दो। 5 प्लस 2 6 7 7 आया। पहले इन दोनों को प्लस करें, 2 2 और निकालने हैं। 1 2 4 इसका 4 आया आंसर, तो 4 को फिर 1 से प्लस कर दो। 4 प्लस 1 5। सो द आंसर इज 57। आया समझ? तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो मैं प्लस करूंगी, फिर हम रीग्रुपिंग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रीग्रुपिंग एडिशन वर्ड प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल। मुझे कमेंट भी करना अगर कोई भी डाउट्स हो, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। एंड या
अपकमिंग टॉपिक्स में मैं 7th और 8th के भी चैप्टर्स करने वाली हूँ, सो वो भी देखना मत भूलिएगा। और जल्द ही आपके सपोर्ट से हो सकता है मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। सो या प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।